intersection of the curve and its asymptotes, कि वक्र और इसके asymptotes का प्रतिच्छेदन, वक्र की अनंत स्पर्शियाँ वक्र को किन्हीं बिंदुओं पर काटती हैं, ये बिंदु किसी अन्य वक्र पर, भले हो सकता है रेखा हो सकते हैं, है ना, इलिप्स भी हो सकता है या हाइपरबोला भी हो सकता है, इस पर स्थित हैं, इनके समीकरण हम ज्ञात करेंगे। कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने, एन घात के वक्र के अधिकतम एन अनंत स्पर्शी हो सकते हैं, ये पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। एनवें घात के वक्र को एक अनंत स्पर्शी सदैव एन इंटू एन माइनस टू बिंदुओं पर काटता है। तो बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन में पूछता है कि वक्र को एसिम्प्टोट कितने बिंदुओं पर काटता है, तो हम एसिम्प्टोट प्राप्त कर लेंगे। और मान लीजिए अगर तीन एसिम्प्टोट्स आए तो थ्री इंटू थ्री माइनस टू यानी तीन बिंदुओं पर काटेगा, तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एसिम्प्टोट्स का संयुक्त समीकरण, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स लिखने के लिए जितने भी एसिम्प्टोट्स दिए हैं, जीरो को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ रखेंगे और सबको गुणा कर देंगे और ये कहलाएगा एफ एन बराबर ज़ीरो। जितने एसिम्प्टोट्स हैं उसके, अगर एन एसिम्प्टोट्स हैं तो एफ एन बराबर ज़ीरो, दो एसिम्प्टोट्स हैं तो एफ टू बराबर ज़ीरो। जैसे एक्स माइनस वाई बराबर थ्री, एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर, तो इसका संयुक्त समीकरण कंबाइंड इक्वेशन, इस चार को आप इधर लाएंगे, एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर ज़ीरो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे इन दोनों टर्म को इधर लाएंगे तो एक माइनस और लग जाएगा, तो वो वापस अल्टीमेटली ज़ीरो में चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ रही है कंबाइंड इक्वेशन, ये कहलाएगी एफ एन बराबर ज़ीरो। दिए गए वक्र में से इस एफ एन बराबर ज़ीरो से समीकरण को घटाएंगे तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन प्राप्त होगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन वही, जो भी ये कर्व होगा, पैराबोला होवे, लाइन होवे, सर्किल होवे, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एफ एन बराबर ज़ीरो में से समीकरण को घटा रहे हैं इसको हम, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने क्या करा कि तीन को इधर नहीं लिया और एक्स माइनस वाई को इधर लिया है, तो ये घटाने की बजाय अपने को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे ऐसा वर्क करना है जिससे गिवन इक्वेशन और इन दोनों को घटाने से टर्म्स कट जावे, है ना, या जोड़ने से टर्म कट जावे। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप चार को इधर ले गए या इसको इधर लाएं, जैसे भी यहाँ लाएं, हो सकता है ये चीज़ घटाने से कट जावे। और अगर कोई विद्यार्थी इसको इधर लाएगा तो माइनस का एक फ़र्क पड़ेगा, तो फिर जोड़ने से कटेगी। तो ये जैसा भी परिस्थिति बनेगी, आप उसका ध्यान रख के इसको आप हमेशा एफ एन बराबर जीरो को गिवन इक्वेशन में से घटाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड वक्र प्राप्त हो जाएगा। वह त्रिघात या चतुर्घाती समीकरण या अति परवलय का समीकरण इसका ज्ञात करेंगे जिसके एसिम्प्टोट दिए गए वक्र के एसिम्प्टोट्स के समान हैं या गिवन हैं। तो अगर हमारे पास में एन एसिम्प्टोट्स हैं तो वक्र का समीकरण हम लिखेंगे एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू बराबर ज़ीरो। यानी अगर एन बराबर तीन लेते हैं तो हमारे पास वक्र का समीकरण बनेगा एफ थ्री प्लस एफ वन बराबर ज़ीरो। एफ वन मीन्स एक घात का पद चाहिए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, एफ थ्री प्लस एक घात का पद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो लेंगे, और जो भी सवाल में कंडीशन दी होगी उससे ए बी सी निकाल लेंगे। अगर हमारे पास दो एसिम्प्टोट्स हैं तो वक्र का समीकरण एफ टू प्लस एफ ज़ीरो यानी एफ टू प्लस सी बराबर ज़ीरो इस टाइप का होगा, है ना। एफ टू एफ थ्री, ये तो एफ एन जो है अपने पास कंबाइंड इक्वेशन से आ रहा है, ये अपन और लगा देंगे। तीन एसिम्प्टोट्स अगर हैं हमारे पास, जब तो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लगाएंगे, और अगर हमारे पास दो एसिम्प्टोट्स हैं तो प्लस सी लगा देंगे। तो जैसी भी पोजिशन होगी ऐसा अपन काम कर लेंगे। इस इक्वेशन में गिवन कंडीशन सप्लाई करके ए बी सी के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब ये जैसा भी सवाल होगा, कंडीशंस दी होगी, कभी कभी क्या होता है x अक्ष को स्पर्श करता है, y अक्ष को करता है, मूल बिंदु पे करता है, या और जो भी कंडीशंस आएंगी उसके अनुसार हम इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कभी चार एसिम्प्टोट्स आ गए तो एफ फोर प्लस एफ टू बराबर ज़ीरो,
इस प्रकार का इक्वेशन लेंगे और ये कांस्टेंट निकाल के वक्र निकाल लेंगे। तो सवालों में हमको क्या करना है, एसिम्प्टोट्स निकालना है। जो आपको पिछली बार मेथड दिखाया बताया था उस मेथड से आप एसिम्प्टोट निकाल लो, और कितने बिंदुओं पे काटता है n इंटू एन माइनस टू निकाल देंगे। वक्र निकालना है तो अगर सीधा सीधा घटाने से आ जाएगा या जोड़ने से आ रहा जब तो वो करेंगे कम्बाइंड इक्वेशन लिख के, और अदरवाइज जो अगर कंडीशन दी हुई होगी तो उनसे कंडीशन से हम इनको निकाल लेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जीरो के एसिम्प्टोट्स वक्र को तीन बिंदुओं पर काटते हैं जो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो रेखा पर स्थित हैं। ये अपने को करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करें, इसके एसिम्प्टोट निकालते हैं, है ना, उसके बाद देखेंगे बिंदु वाली बात। तो यहाँ पर एक्स की उच्चतम घात दो है ना, और इसलिए पैरेलल एसिम्प्टोट कौन बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यानी वाई बराबर ज़ीरो, एक्स अक्ष के समांतर एसिम्प्टोट वाई बराबर ज़ीरो। ऐसे ही वाई की उच्चतम घात यहाँ पे दो है तो इसका कोफिशेंट हो गया वन माइनस एक्स, तो वाई एक्स के समांतर एसिम्प्टोट वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। आप ये वाली लाइन को पहले ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि हम ये आपको बार बार यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पैरेलल एसिम्प्टोट्स पहले निकाल लिया करें ताकि ये छूटेंगे नहीं। तो ये दो एसिम्प्टोट्स तो ये आ गए, अब ऑब्लिक निकालते हैं। तीन घात के पद ये अपने पास में दो ही हैं, इसके अंदर x बराबर वन y बराबर m रखेंगे, तो m माइनस एम स्क्वायर ये आ गया अपने पास। फाइ एन एम को ज़ीरो करेंगे, m माइनस एम स्क्वायर बराबर ज़ीरो, सो m बराबर ज़ीरो एंड वन। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ कैसी है, अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो c के लिए हमको ये फार्मूला काम में लेना है, माइनस फाइ एन माइनस वन अपॉन फाइ डैश एन एम। तो फाइ एन माइनस वन एम निकालेंगे, तो n घात यानी तीन घात के बाद में दो घात वाले पदों में x बराबर वन वाई बराबर एम, सो फाइ एन माइनस वन एम प्राप्त होगा। x बराबर वन वाई बराबर एम, एम प्लस एम स्क्वायर ये यहाँ आ गया अपने पास। यहाँ पे वैल्यू रख दो, फाइ एन माइनस वन एम, एम प्लस एम स्क्वायर बाहर माइनस आई, और फाइ डैश एन एम, फाइ डैश एन एम ये रहा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो m के सापेक्ष, वन माइनस टू एम नीचे आ गया। अब अपने पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो जब m बराबर ज़ीरो लेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो गई, ये ज़ीरो आ गई, और पुट इन y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम भी ज़ीरो सी भी ज़ीरो y बराबर ज़ीरो। जब m बराबर वन लिया तो c बराबर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस टू, दैट इज इक्वल टू टू, पुट m बराबर वन c बराबर टू इन y बराबर एम एक्स प्लस सी, सो y बराबर एक्स प्लस टू, ये दूसरा एसिम्प्टोट आ गए। और ये दो ऊपर अभी निकाल ही चुके हैं अपन पैरेलल एसिम्प्टोट्स, है ना, तो इसमें y बराबर ज़ीरो तो ये वापस कॉमन आ गया। तो कुल मिला के तीन अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एसिम्प्टोट्स हैं, कौन से हो गए, y बराबर ज़ीरो वाई बराबर ए एक्स बराबर वन यानी वन माइनस एक्स बराबर ज़ीरो, और x माइनस वाई प्लस टू, इसको इधर ले जाओ। इन तीनों से हमने क्या करा, कम्बाइंड इक्वेशन लिख दिया, ये तीनों को गुणा कर दो, y बराबर ए वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर ज़ीरो। अब वही चीज़ है कि अगर किसी ने इसको x माइनस वन लिखा है तो जोड़ने से घटाने से क्या होगा वो अपने को नीचे ही पता लगेगा, इनको आप गुणा कर दो तीनों को, तो y माइनस वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर ज़ीरो। तो इसको इससे गुणा किया, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर ज़ीरो। अब देखो साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का जैसे वाई स्क्वायर है तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, घटाने से नहीं कट रहे हैं, ये जोड़ने से कट रहे हैं। अगर मैं इसको x माइनस वन लिखता तो मेरे को घटाना पड़ता, तो इस गिवन इक्वेशन से ये कटते, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ये उल्टा लिखा, एक माइनस का चक्कर पड़ रहा है अपने, इसलिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर दो और जो सवाल का दिया है नंबर वन, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। तो ऐड करते ही क्या हुआ, ये वाई स्क्वायर आपका कट जाएगा, एक्स वाई यहाँ भी है और एक टू एक्स वाई यहाँ भी है, तो माइनस का एक्स वाई और जोड़ा आपने तो ये जोड़ से जोड़ कट गई,
माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जोड़ेंगे तो ये कट गया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर जोड़ने से कट गया, और ये टर्म बची हुई है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर आपका ये टू वाई, तो एक्स माइनस वाई प्लस टू वाई रह गया, यानी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, ये अपने को रिक्वायर्ड वक्र प्राप्त हो गया। अब रह गई अपने पास तीन बिंदुओं वाली बात, तो तीन बिंदुओं के लिए हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्योंकि तीन एसिम्प्टोट्स हैं इसलिए वक्र n इंटू एन माइनस टू बिंदु, यानी थ्री इंटू थ्री माइनस टू दैट इज इक्वल टू थ्री, तो वक्र तीन बिंदुओं को तीन बिंदुओं पर काटेगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और लेते हैं जल्दी से, एसिम्प्टोट x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, y बराबर x, y बराबर माइनस x, ए बी बिंदु से गुजरता है, ए बी बिंदु से गुजरता है, अनंत स्पर्शी को आठ बिंदुओं पर मिलता है जो वृत्त पर स्थित है। अब क्योंकि यहाँ पर चार एसिम्प्टोट्स दिए हुए हैं इसलिए एसिम्प्टोट्स कितने बिंदुओं पर काटेगा, चार इंटू चार माइनस दो, एन इंटू एन माइनस टू, आठ बिंदुओं पर मिलता है। एक तो ये लाइन आप यहाँ पे डाल देना कि आठ बिंदुओं पर वक्र को मिलेगा। अब लिखते हैं अपन एसिम्प्टोट्स का कम्बाइंड इक्वेशन, ये वृत्त लाना है अपने को, ये कम्बाइंड इक्वेशन लिख दिया, x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, खोल दो सारे को, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार घात है और यहाँ पे कोई वक्र नहीं है इसलिए अपने को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास में एफ एन बराबर ज़ीरो। तो वक्र का समीकरण जो होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ये चार घात का है तो एफ फोर प्लस सी इक्वल टू सी इंटू एफ टू बराबर ज़ीरो। देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो चीज़ आ रही है ना अपने पास, ये चार घात का, ये एफ एन आ गया, ये दिस इज योर एफ एन, एफ एन बराबर जीरो। अब वक्र का समीकरण जो लिखेंगे वो अपने पास में आएगा एफ एन प्लस सी इंटू एफ एन माइनस टू बराबर ज़ीरो। तो ये तो आपने पहले लिख दिया यहाँ पे एफ एन की वैल्यू, और सी नहीं लगा के अपन ने लेमडा लगा दिया, इंटू दो घात का वक्र, ये वाला वक्र चाहिए हमको, ठीक है। तो ये दो घात का वक्र यहाँ लिख दिया अपन, क्योंकि अपने को गिवन है टू घात, तो एफ एन प्लस सी इंटू एफ एन माइनस टू, एफ फोर प्लस सी एफ टू बराबर जीरो। ये एफ टू है अपने पास दो घात का कर्व, इसको इधर लिया, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। इसको आप पास करेंगे बिंदु ए बी से, पासेस थ्रू पॉइंट ए बी, एक्स की जगह ए रखिए, वाई की जगह बी रखिए, और इस लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो ये लैम्डा आ गया अपने पास, इस लैम्डा को उठा के आप यहाँ पे रख देंगे, तो ये अपने पास में वक्र का समीकरण आ जाएगा, ठीक है, जो इस वृत्त पे स्थित होगा। ये लैम्डा की वैल्यू रख दी, ये तो अपने पास में है ही एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस ये वाली वैल्यू लैम्डा की, ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन बी इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। और अब इसको आप जैसा भी आंसर चाहता है उस तरह से अपन इसको इधर उधर कर सकते हैं, इस b को इधर गुणा कर दिया अपन ने, बी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से a कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसा कैसा ही आ गया, बी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक नेगेटिव हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया तो उल्टा हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक कर्व है। तो यहाँ हमको जो सवाल दिया हुआ है कि वो क्वाड्रेटिक कर्व निकालिए, चार घात का चतुर्घाती वक्र ज्ञात करिए जिसके लिए चार एसिम्प्टोट्स हैं जो ए बी से गुजरते हैं और आठ बिंदुओं पर मिलते हैं जो इस वृत्त पर स्थित है। तो ये अपने पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक कर्व आ जाएगा।